उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन रैली बीती रात हल्द्वानी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली का जबरदस्त स्वागत किया। रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहे। उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार कांग्रेस के निशाने पर रही। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मिशन 2022 ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से भी तैयारी करें। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे गुजारिश है, सबसे प्रार्थना है, सबसे रिक्वेस्ट है, आजादी की रक्षा करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी हो। इन्होंने भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की लाइन लगा दी, राज्य के सम्मान को गिराने का काम देखी कर दी, डबल इंजन की बात कही, विकास रोक दिया। नौकरियां नहीं है, समाज के कमजोर का कह दलित है, जनजाति यहाँ पर जो हम नेतागण हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं और हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि एक एक मोटी रस्सी लेकर के आपको अपनी कमर को बांध करके 2024 के लिए भी तैयार होना है। ऐसा नहीं है, हमारी मंजिल, हमारा मुकाम, कांग्रेस के दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारा मुकाम केवल 2022 में देहरादून नहीं है, ये तो फराव है। 2024 में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लेकर के, संविधान को बचाने की लड़ाई को लेकर के, व्यक्तिगत बोलने, काम करने, कर्म करने, खाने पीने, रहने सोचने, अपने धर्म के पालन की आजादी की रक्षा करने के लिए हमको लड़ाई लड़ते हैं। दो दिन से लगातार हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है, जो फतेहपुर से शुरू हुई, शहीदों को क्योंकि ये उत्तराखंड उन शहीदों की कुर्बानी के ऊपर उत्तराखंड बना, उनके सपने थे, उनकी सोच थी एक समृद्ध हमारा प्रदेश बने, एक ऐसा प्रदेश बने जहाँ युवाओं को रोजगार मिले, जहाँ महिलाओं को सम्मान मिले। आज कहीं ना कहीं 4.5 साल के इस जो राज रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आज कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से पेच साबित हुआ है। देखिए, ये तो आपने खुद देखा है कि इतना भारी जन समर्थन इस रैली को मिला था, बल्कि हल्द्वानी में पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी लेट हो गई, वरना तो अप्रत्याशित यहाँ पे हमने जो देखा है कि लोगों की प्रतिभागिता थी। फिर भी उसके बावजूद रात 5 बजे की सभा में 10 बजे पहुंची है रैली। आप खुद लगा लीजिए कितना जोश, कितनी सहभागिता, कितना सारा दर्द भी जनता का छलक रहा था सड़कों पर, और कांग्रेस के लिए प्यार जो मर रहा था वो लोग देखिए।